सो हेलो गाइस, आई एम अगम एंड यू वाचिंग किक टू स्टार्ट गेमिंग। तो आज हम बात करेंगे कि पबजी मोबाइल के अंदर आपके FPS कितने आते हैं और कौन सी ग्राफिक्स सेटिंग्स पे आपको कितने FPS मिल सकते हैं, कितने ज़्यादा या कौन सी आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स रखनी चाहिए। जैसे कि कल मेरे पास एक क्वेरी आई थी जब मैं लाइव कर रहा था कि पोको X2 के अंदर, ये पोको X2 के लिए, पोको X2 में आपके अल्ट्रा कैसे चल रहा है सेटिंग्स में। तो अल्ट्रा इसलिए चल रहा था क्योंकि मैंने कर रखा है बैलेंस स्मूथ। तो ग्राफिक्स के अंदर जैसे सेटिंग्स आते हैं तो यहाँ पे मेरे स्मूथ था और तब मेरा अल्ट्रा चल रहा था, लेकिन जो यूज़र था वो HD के अंदर खेल रहा था तो HD में खाली हाई आता है, लेकिन जब आप स्मूथ करेंगे तो आपके पास फ्रेम रेट वाला अल्ट्रा ऑप्शन भी आ जाता है। तो लेकिन फ्रेम रेट, इफ़ डिवाइस बिकम्स टू हॉट द गेम्स बिकम स्लोपी और बैटरी स्लो, तो बैटरी इसकी होनी चाहिए थोड़ी, अगर लो होगी तो जैसी लो होगी तो FPS भी ड्रॉप होंगे। तो अब देखते हैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा और आगे हम और भी देखते रहेंगे, HD पे करेंगे, बैलेंस्ड भी करेंगे। और देखिए अभी ये भैया HDR तो अभी है नहीं इसके अंदर, सून अल्ट्रा HD भी नहीं आ रहा अभी, और ये भी सून है अभी इसके अंदर है, स्मूथ बैलेंस्ड और HD ये हमें मिल रहा है अभी अल्ट्रा के अंदर। देखते कितने आते हैं अपने पास FPS। तो अभी ये कौन सा 60Hz पे चल रहा है अभी, स्क्रीन जो है 120Hz स्क्रीन पे नहीं कर रखा, वो टेस्टिंग दोबारा करेंगे दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में 60 है। तो अभी जैसे देखते हैं ऊपर आप देख सकते होंगे मिड पे 32 FPS आ रहा है, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी 30 कभी 40, गेम में पता पड़ेगा हमें। देखते हैं अभी 44 दिखा रहा है मुझे, अभी 30 FPS है। तो एक गेम खेल के देखते हैं, अरेना पे चलते हैं, TDM तो चल नहीं रहा, आर्केड मोड में देखते हैं, एक वॉर मोड देख लेते हैं या तो या क्विक मैच देख लेते हैं, रैंडम मैप एक सिंगल वाला, और इसके अंदर देखते हैं कितने हमारे पास आते हैं FPS गेम के अंदर। अगर आपको भी देखना है तो आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन हो या तो आपको एक FPS ट्रैकर डाउनलोड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऐप, तो मेरे तो मोबाइल में ही इनबिल्ट है। देखते हैं यहाँ पे कितने आते हैं, अभी यहाँ पे 47 मेरे को दिखा रहा है, 50, अभी मैं स्मूथ और अल्ट्रा चल रही है सेटिंग। अब देखते हैं इन गेम में, अभी तो लॉबी में इतना 50 दिखा रहा है कम से कम जिसमें सेटिंग्स हैं स्मूथ और अल्ट्रा। अच्छा क्या होता है, जंप का ऑप्शन आ गया भैया, जंप कर लेते फटाफट। तो हमें मैच तो पूरा खेलना है नहीं, लेकिन देखना है मैच के अंदर हमारे FPS कितने आते हैं। इसके अंदर देखो फटाफट कुछ तो मिलेगा तो देखते 42 अभी दिखा रहा है, 42 FPS कुछ भी नहीं यहाँ पे। FPS कितने आ रहे हैं भैया, 43, 41, 40, GPU 49 FPS, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, कम से कम आपके 50 तक तो आराम से जाती है। दोबारा देखते हैं कितना आ रहे, 48 FPS, 41, ये 40 तो आपको आराम से मिल रही है अभी, जो अभी स्मूथ और अल्ट्रा कर रखी है भी हमने। अगर हम सेटिंग्स को चेंज करें तो देखो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या हमें, अबे ख़त्म हो गए गोलियां, ख़त्म। देखते हैं सेटिंग्स चेंज करके देखते हैं थोड़ी, एक और बंदा आ गया, चलो अभी जाओ, चलो कुछ लेके आए, 8x8x AKM क्या बात है। FPS देखिए कितने आ रही है, तो पटकुरे
ये गेम नहीं है क्या भैया? तो देखते चलो, अभी देखते क्या आ रहा है हमारे पास। 43 FPS आ रहा है, तो चेंज करके देखते थोड़ी सेटिंग्स। तो ग्राफिक्स के ऑप्शन में जाते हैं और स्मूथ हो रहा है उसको हाई करते हैं। अब हाई में देखते क्या मिलता है। थोड़ी बैंडेज वेंडेज लगा लेते। तो यहाँ पे अभी 39 हो रही है, 32 31 30 अल्ट्रा के अंदर तो करीब 40 तक हमें मिल रही थी, यहाँ पे 30 आ रही है कम से कम। देखते भागते तक कुछ चेंज होता है क्या। 37 यहाँ भी, 37 जन आ रहा है कहाँ से। चलो भैया कितना, 32 FPS। यहाँ पे मर गए, 47 तक आया है यहाँ पे भी। तो 50 FPS तो आपको आराम से मिलता है अगर आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा भी करते हो या स्मूथ प्लस हाई में क्या अंदर भी करते हो। तो और एक और देखेंगे हम, और थोड़ा लो करेंगे दोबारा, एक छोटा सा एक मैच खेल के देखते हैं। तो हमें FPS कितना मिल सकता है आर्केड में। दोबारा स्टार्ट कर दिया, तो अभी तक हाईएस्ट अपने को 50 तक तो मिला हुआ है, लेकिन फ्लक्चुएट होता रहता है, एक नहीं मिल रहा अपने को, कांस्टेंट नहीं है। कभी 30 हो जाएगा, कभी 40 हो जाएगा, कभी 47 हो जाएगा। चलो चलो ओके, सेटिंग्स दोबारा चेंज करते हैं हम, ग्राफिक सेटिंग अब की बार बैलेंस रखते हैं और वही अल्ट्रा, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 30 गन नहीं आई अभी तक कोई। बे उसके पास ऑक 3। तो यहाँ पे 42 हमें मिली FPS, 41 बैलेंस कर रखा, और पूरा देख नहीं पाए, करीब 41 तो आई है हमारे पास कम से कम। करते हैं दोबारा ग्राफिक सेटिंग चेंज करते हैं, ये ग्राफिक सेटिंग में आते हैं और एक बार SD करके देखते हैं, और SD में हाई भी चलाएंगे, इसमें हमें कितना मिल पाता है देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत 32, GPU जो 38%, CPU 35 और FPS 28। गेम स्टार्ट होएगा तो पता चलेगा। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent FPS 42. Please play in moderation. Take 42 and play responsibly. 32 fluctuate हो रही है बार-बार। Thirty-nine.
हाईएस्ट अभी तक तो 50 मिली, वो भी स्मूथ प्लस अल्ट्रा के अंदर आई थी। अब कितनी आ रही है? 32 ही आ रही है अभी भी। सब जगह उतर गए। और FPS 40 HD और हाई चल रहा है क्या अभी? सेटिंग, ग्राफिक्स सेटिंग हमारी 34 46 तक आई अभी। थर्टी सेवन फोर्टी टू। कॉन्स्टेंट अभी भी नहीं है, चेंज होती रहती है। स्कोप कितना है हमारे पास आ रहा है? 38 38 38। चलो ये भी गए। तो इसके अंदर अपने को 38 40 मिल रहा है और सेटिंग 39 40। वापस अपन ग्राफिक्स सेटिंग्स चेंज करते हैं। HDR तो आ नहीं रहा है, चलो मीडियम करके देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। थर्टी सिक्स ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी सिक्स थर्टी फाइव ट्वेंटी एट। अरे छुपन छुपाई खेल रहा है क्या? 16 नुची गए। यहाँ पे हमारे पास आई 36 सही है हाईएस्ट अभी तक मेरे ख्याल से। वापस चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, ग्राफिक करते हैं स्मूथ एंड अल्ट्रा। यहाँ पे कलरफुल है, मेक्स द टेक्सचर स्मूथ बट इंक्रीज बैटरी कंजप्शन। एंटी अलियासिंग भी चालू करते हैं, शेडोज ऑन है, क्या करेंगे फ्लक्चुएट ऑटोमेटिकली लोअर द, ये बाद में करके देखेंगे। ओके अच्छा सप्लाइट, थोड़ी हमारी हेल्थ भी कर लेते हैं।
पेन किलर लो भैया। 36, 41, 40, 42 चलो भगा के देखते हैं इसको थोड़ा सा कितना आता है। 44, 41, 41, 41, 41, 40 कि 41 आ रही है बीबी। तो है तो अभी हम रिलोड करते कर भाई। यहाँ पे एक जना है ग्रेनेड फेंक रहा है, वो भी स्मोक वाला। गई ओहो यहाँ पे मर गए हम। और कितने हैं? 45 FPS हाईएस्ट अभी तक। 47 भी देखी थी। तो अगर देखो सबसे ज़्यादा अगर FPS अभी मिल रहे 60Hz स्क्रीन के अंदर तो वो मिल रही है हमें 47 तक मिली थी आई थिंक स्मूथ प्लस अल्ट्रा में। चलो ये तो बाद में, लॉबी भी चलते हैं। कैंसिल करो और एक बार अब करके देखते हैं इसको 127, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? सॉरी 120 करके देखते हैं ग्राफिक सेटिंग्स। चलो सेटिंग्स फ़ोन की सेटिंग्स अंदर जाओ और डिस्प्ले अभी रिफ्रेश रेट है मैं 60Hz। ओके मीडियम है, मीडियम रिफ्रेश ऐड मोर क्लियरिटी टू डिटेल्स। चलो 120Hz कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? सेटिंग्स है हमारी, ग्राफिक्स में चलते हैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा। एंटी अलेजिंग चालू है, लेट्स गो। सो अभी रिफ्रेश रेट 120Hz है तो 55 FPS आ रही है हमारे पास अभी हाईएस्ट अभी आई। सिक्सटी एफ पी एस तभी आई है आपके पास जब आप 120Hz में करोगे, 120Hz रिफ्रेश रेट करोगे तो आपके पास 60 FPS आ सकती है। और ग्राफिक्स सेटिंग्स आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा और 60Hz में अगर करते हैं तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा में तो आई थिंक 40-50 तक आ जाती है हमारे पास। थोड़ा सा एक बाकी देखते हैं कितना आता है। 57, 41 कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होती रहती है, वेरिएबल है। FPS फ्रेम पर सेकंड हमारे पास कितने आ रहे हैं? चलो इधर थोड़े घर हैं तो ऑब्जेक्ट भी ज़्यादा हैं तो 56। CPU यूज 71% है और GPU 45% यूज़ आ रहा है तो 40 FPS। इधर आ भैया 56, 44, 42 इसके अंदर हैं लोग बाग। पहुँचने नहीं दिया उसने और 59 FPS तक, यानी 60 FPS आपके आ जाएंगी लेकिन फ्लक्चुएट होती रहेगी 63 यहाँ पे आ जाएगी। 60 FPS चाहिए तो आपको चलाना पड़ेगा 120Hz रिफ्रेश रेट पे और ग्राफिक सेटिंग आपकी रहेगी स्मूथ प्लस अल्ट्रा। HD में चलाओगे तो HD में आपको खाली हाई तक ही मिलेगी, स्मूथ प्लस अल्ट्रा आपको रखनी है सेटिंग्स। 60 FPS चाहिए तो
और सुप्लस अल्ट्रा कलरफुल अभी एंटी अलियासिंग मेरे चालू है, ऑटो एडजस्ट ग्राफिक अभी ऑफ कर रखा है, नहीं तो वो जैसे बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो FPS कम हो जाएंगे और 120 हर्ट्स। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी बैटरी कंजप्शन जल्दी होगी 120 हर्ट्स स्क्रीन पे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर आप खेलना चाहें तो 60 हर्ट्स पे खेलिए और स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे, तो इसमें आपको 50-55 तक FPS मिल जाती है और 60 FPS चाहिए, लेकिन कांस्टेंट नहीं है 60 भी, वेरिएबल है, थोड़ी देर में चेंज होती रहती है, 40 to 60 के बीच में रहती है, कभी आपको 60 भी आ जाएगी, लेकिन हाईएस्ट रेट 60 FPS तभी मिलेगी जब आप रखेंगे 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट और अल्ट्रा स्मूथ प्लस अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।